वंदे मातरम बच्चों बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था और आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब पूर्ण वर्तमान काल जो है ये आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि कुछ क्रिया है आपने भूतकाल में शुरू की थी, मतलब कोई काम आपने हाथ में लिया था, ठीक है, वो काम आपने ऑलरेडी आप उसको हाथ में ले चुके हो, लेकिन वो काम अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि मानो भाई आप कोई ड्राइंग बना रहे थे, दो तीन दिनों पहले आपने शुरू कर दी है, भूतकाल में उसको शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी वो ड्राइंग आप बना ही रहे हो, आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? परफेक्ट प्रेजेंट का। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई काम मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अभी मेरा काम खत्म किया, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द फूड, मैंने अभी खाना खत्म किया, ठीक है, लाइक दिस, तो ये क्रिया जो है वो पूरी तो हुई लेकिन बहुत समय नहीं हुआ उसको, वो अभी जस्ट कंप्लीट हुई है। ठीक है, अभी अभी कंप्लीट हुई है वर्तमान में, तो वो भी हम किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ओके, यहाँ पर बच्चों देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिखे है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे जानोगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो एक तो प्रेजेंट कैसे है ये हमने जान लिया हेल्पिंग वर्ब से, अगर हैज और हैव है तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट, अगर पास्ट होता है तो हैड आता है ना, तो हैव हैज से हमने प्रेजेंट तो जान लिया, लेकिन ये परफेक्ट है ये कैसे जानेंगे? तो ये आप जानोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज के साथ क्या होगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, आपको वर्ब फॉर्म्स याद करनी रहेंगी। ठीक है, फिर आपको नहीं तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो अभी आपके पास अच्छा सा टाइम है, ये काम भी आप एक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अभी एक बात समझ लेते हैं कि भाई हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, जैसे कि एमिजार का हमें पता है ना उस तरह से, तो यहाँ पे हैज जो है आपका वो आएगा सिंगुलर के साथ, ठीक है, और जो आपका हैव है वो सिंपल एक किसके साथ आएगा? फिर प्लूरल के साथ। ठीक है, एक्सेप्शनल आई के लिए कि भाई आई जो है वो है सिंगुलर, लेकिन उसके साथ क्या आता है? हैव आता है, बाकी आई वी यू दे इनके साथ आएगा आपका हैव, ही शी इट और कोई नाम हो तो उसके साथ आएगा आपका हैज। ठीक है, कोई नाम अगर सिंगुलर में, अगर प्लूरल में दो तीन नाम दिए तो फिर आपका हैव आता है। ठीक है, ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला हम देखेंगे अफर्मेटिव, आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी हैज और हैव, और हैज हैव के साथ परफेक्ट है, मतलब आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता, सहायकारक क्रियापद, क्रियापद और कर्म। ठीक है, ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना कल परसों नहीं खाया था, अभी खाया लेकिन खा चुका हूँ, मतलब क्रिया अभी आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा? मैं, तो आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी करिए? आई हैव। ठीक है, आई हैव, अब ओके, खाने की क्रिया, तो खाने के लिए क्या आता है? ईट, उसका थर्ड फॉर्म क्या आता है? ईट, इटन, ईट एट इटन। ठीक है, आई हैव ईटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की, और क्या खा चुके हैं? तो खाना, तो क्या आएगा? आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर वाइज देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, दूसरा हम देखते हैं, हम उससे मिल चुके हैं, तो हम मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, तो क्या आएगा? वी, तो वी के साथ आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव, मैंने आपको कहा, ठीक है, प्लूरल है तो वी हैव। अब क्रिया क्या है? क्रिया है आपकी मिलने की, ठीक है, मिलने की क्रिया है ना, तो मिलने के लिए क्या होता है? मीट, और मीट का थर्ड फॉर्म आपका आएगा मेट। ठीक है, आई हैव मेट, ओके, अब उससे, ये उससे तो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, ठीक है, तो हम दोनों लेंगे, आई हैव मेट हिम और आई हैव मेट हर। ठीक है, ओके, सॉरी, वी हैव मेट हिम और वी हैव मेट हर। फिर वह तुमसे मिल चुका है, वह सिंगुलर है, ठीक है,
वह, तो हमारा आएगा अब चुका है, मतलब बॉय है, मेल की बात हो रही है इसलिए हमने ही लिया, ठीक है, मिल चुकी है, होता तो शी आता, ही, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी आपकी, हैज, ही हैज, अगेन आपका मिलने का, तो वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म होगी मेट, ही हैज मेट तुमसे, तो यू, ही हैज मेट यू, ठीक है, ओके, ये तीनों आपने समझ लिए। अभी हम देखते हैं निगेटिव, निगेटिव में और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक नॉट जो है वो ऐड कर देनी है, बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट हैव हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस हमारा हैव हैज और मेन वर्ब, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में हमने क्या लिख दिया, नॉट, और ये आपका हो गया निगेटिव, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया है, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है तो वो हो जाता अफर्मेटिव, नहीं देखा है, बस ये एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो कैसे आएगा, मैंने सिंगुलर आई, ठीक है, आई, आई के साथ क्या आएगा, हैव, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, नेगेटिव है ना तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, आई हैव नॉट, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या है, देखना, देखने के लिए सी सॉ सिन, ठीक है, आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यहाँ पे द क्यों लगाया मैंने आर्टिकल द, क्योंकि भाई वो एक में है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कुछ अलग हो, कुछ मतलब जैसे कि दुनिया में एक ही चीज हो, विशेष हो, तो उसके लिए उसके आगे द लगाते। फिर अगला है हमारा, वह घर नहीं पहुंचा है, वह पहुंचा मतलब सिंगुलर है, वो भी कैसा है, मेल या फीमेल, मेल, ठीक है, पहुंचा, पहुंची नहीं है, पहुंचा दिया है, इसलिए क्या आएगा, ही, और ही के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, ही हैज, फिर क्या आएगा, वह घर नहीं पहुंचा है, ही हैज, नेगेटिव आएगा ना आपका, नॉट, अब पहुंचने के लिए आपकी वर्ब कौन सी आएगी, रिच, और रिच का थर्ड फॉर्म आएगा रिच, ही हैज नॉट reached, he has not reached the home, ठीक है, ये इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम वहां क्या आगे के वाक्य देखते हैं। ओके, ये आपने कर लिया। अभी हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द अगर आपको वाक्य में दिखते हैं तो आप पहचान सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाइंग वर्ड्स लिखे, ठीक है, जैसे कि मैंने वाक्य बोलते वक्त भी आपको कहा था, जस्ट, ऑलरेडी, अभी अभी हुआ है, अभी ऑलरेडी हो चुका है, बार बार, ठीक है, कभी नहीं, कभी भी, आज, इस हफ्ते, इस महीने, लाइक दिस, देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऑफन, जस्ट मतलब अभी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, एवर, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, बार बार, ठीक है, येट, अभी, लाइक दिस, सिंस, सिंस क्या दर्शाता है कि भाई कुछ निश्चित, अगर आपको अवधि, निश्चित समय दर्शाना हो कि भाई 2003 से, जून से, जनवरी से, तो आप सिंस का इस्तेमाल करते हो। फोर, वे 3 घंटे से, 3 हफ्तों से, 3 महीनों से, या टाइमिंग दर्शाते हो तब आप फोर का इस्तेमाल करते हो। टुडे, आज, दिस वीक, इस हफ्ते, दिस मंथ, इस महीने, तो ये सारे शब्द क्या दर्शाते हैं कि भाई ये शब्द जिसमें भी आते हैं वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, क्योंकि ये क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, ठीक है, या फिर ये घटना चालू हुई है और अभी भी चल रही है, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि शी हैज जस्ट ड्रंक टी, उसने अभी चाय पी है। आपको इसमें हैज और ड्रंक इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हैज आया, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, ठीक है, आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर यहाँ पे देखिए ये शब्द पहचानने के लिए, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है,
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी सीन और ऑब्जेक्ट है दैट फिल्म, ठीक है। फिर है आपका आकाश हैज ऑफन कम हियर, आकाश बार बार मतलब हमेशा यहाँ पे आता है, तो आकाश सिंगुलर है इसलिए हैज आया, ठीक है। और आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम, ठीक है। और आपकी जो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स है वर्ड है वो है ऑफन, ठीक है। और इसमें जस्ट ऑलरेडी और ऑफन ये आपके आइडेंटिफाइंग वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये इन तीनों चीजों से आप पहचान सकते हो कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कोई भी वाक्य अगर आपको पहचानना है तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हो। ओके, आई होप कि आपको अफर्मेटिव निगेटिव समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज में कुछ 5 वाक्य दिए हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अगले लेक्चर में फिर हम इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाक्य है, मैं आपको ये थोड़े से पढ़वा देती हूँ। दे ब्लैंक जस्ट ब्लैंक द बस स्टॉप, आपका मैंने आपको वर्ब दी है लीव, ठीक है। सेकेंड, राधिका ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हियर, वर्ब है आपकी कम। थर्ड, शिल्पा ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हर वर्ब है टू डू। दे ब्लैंक नेवर ब्लैंक ऊना, वर्ब है विजिट। पंकज ब्लैंक नेवर ब्लैंक वर्ब है स्मोक, ठीक है। ओके, इतना आप करिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। वंदे मातरम।